मुझे पता है कितना डिफिकल्ट होता है एक ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए एक अच्छी सनस्क्रीन ढूंढना बिकॉज मेरी खुद की स्किन टाइप भी ऑलियन कॉम्बिनेशन है और मैं जानता हूँ कि मुझे कितने सालों तक परेशानी होती रही है एक अच्छी सनस्क्रीन ढूंढने में वैल well, इसी एक्सपीरियंस के साथ ही साथ मैंने कुछ सनस्क्रीन ट्राई की हैं पास में और फिलहाल में भी जो कि है दी बेस्ट सनस्क्रीन फॉर ऑयली स्किन या कॉम्बिनेशन स्किन टाइप और इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ वो चार ऐसी सनस्क्रीन जो कि हैं इंडिया में चार के अंदर जो कि हैं दी बेस्ट सनस्क्रीन फॉर ऑयली स्किन टाइप फॉर ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन टाइप या ऑल्सो फॉर ऑयली सेंसिटिव स्किन टाइप और से ऑयली या कॉम्बिनेशन आखने प्रोन स्किन टाइप भी सो so, अगर आपकी स्किन टाइप इन चारों में से कोई भी एक है देन ये चारों सनस्क्रीन जो कि मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ ये चारों में से आप कोई भी एक ले लो मैं न्यूआ गुट्टू को टैबिंग से माई नेम इज तेज वेलकम बैक टू माई चैनल एंड जो न्यू वीडियो एंड लेट्स तो पहले नंबर पे आ रही है ड्रमा को वन परसिंग एक्वा जेल सनस्क्रीन एस पी एफ फिफ्टी पहले नंबर पे इसलिए बिकॉज इट सनस्क्रीन इज वन ऑफ द बेस्ट और मैं इस सनस्क्रीन के बारे में अपनी पास्ट एटलीस्ट 10 से 15 वीडियोस में इसके बारे में बात कर चुका हूं इट इज सो फार द मोस्ट अमेजिंग सनस्क्रीन आई हैव फाउन फॉर ऑल इन कॉम्बिनेशन स्किन टाइप कारण है इसके चार पाँच पहला है कि यह बहुत लाइट और नॉन स्टिकी है इसको लगाने के बाद बिल्कुल भी ग्रीसी हैवी या स्वेटी फील नहीं होता एंड ऑल्स को लगाने के कुछ घंटों के बाद भी भले गर्मी हो या ह्यूमिटी वाला मौसम हो इसको लगाने के कुछ घंटों के बाद भी आपको बिल्कुल भी पसीना या यू नो ग्रीसीनेस या अनॉइंगनेस फील नहीं होगी काफ़ी लाइट वेट है एंड मोर ओवर इसमें हाइड्रोनिक एसिड हाइड्रोनिक एसिड एंड की मेरी स्किन हाइड्रेटेड रहे मॉइस्चराइज रहे वो ड्राई ना हो बाहर घूमने फिरने से और क्योंकि एस पी एफ फिफ्टी है सन प्रोटेक्शन बहुत भी टैनिंग है नहीं होने वाली एंड द बेस्ट थिंग इसमें विटामिन ई e भी है विटामिन ई e क्या करता है कि विटामिन ई e आपके स्किन सेल्स के तनोबों को बूस्ट करता है विच ओवर टाइम हेल्प्स मेक यूर स्किन लुक लाइक सॉफ्ट स्मूद एंड बेटर ऑल्सो यह फ्रेग्रेंस फ्री है so कोई माइग्रेन है या एलर्जी है फ्रेग्रेंस है तो दिस सन वुड हेल्प यू बट दट ऑल्सो भले ही 50 पचास ग्राम है लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी होती है यूज़ एक बार में सो लिटल गोज़ अ वेरी 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 लॉन्ग वे प्राइस पॉइंट इज अमेजिंग इसकी एक ट्यूब मुझे लास्ट करती है अराउंड एट टू नाइन मंथस एंड इट्स दी बेस्ट सनस्क्रीन सो फार ऑल्सो ये नॉन कॉम्पर्टेजनिक है सो so आपको किसी भी तरह का ब्रेकआउट या आंखने या पिम्पल्स नहीं होंगे अगर आपको एग्जिस्टिंग एखनी वगैरह है तो वो सिचुएशन खराब नहीं होगी ये उस तरह की सनस्क्रीन है ऑल्सो आई एल मेक श्योर कि मैं इन सारी सनस्क्रीन के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ सो इन केस आपको लेने का मन करे कोई भी सनस्क्रीन ये या आगे के तीन में से कोई भी एक देन सब लिंक्स हैं नीचे आप जाके चेकआउट करो और वहाँ से आप परचेस कर सकते हो वर्चेस कर सकते हो जो करना करो

ओनलीफिट uh, कॉम्बिनेशन और रोशन नहीं, नहीं आपकी स्किन वो ब्राइटनेस नहीं है क्या तो आपका चेहरा दिखने में बहुत डल है बहुत रूखा सुखा है देन समथिंग लाइक दिस जो सनस्क्रीन uh, है रेडियंस प्लस जो भी सनस्क्रीन इसको लगाने के बाद आपका चेहरा काफी ज्यादा वाइब्रेंट रेडियंट और आपके चेहरे पे ग्लो इम्पार्ट हो जाता है टेम्प्रीली सो so, आपको स्पेसिफिकली कोई भी मॉइस्चराइजर या सिरम यू करने की जरूरत नहीं है इसको लगाते वक्त आप जैसे सनस्क्रीन लगाओ एंड गुड टू गो सो इफ़ यू आर जिसकी स्किन है डल यू नो डल नॉन रेडियंट या बहुत ही रुकीस सूखी देन ये सनस्क्रीन आपकी स्किन को सन से प्रोटेक्ट भी करेगी और आपको ग्लो भी देगी एंड अगेन नॉन कम्बजेनिक है ये भी कोई भी एक्ने वैक्ने नहीं होने वाला एंड इसको भी लगाने के बाद मुझे किसी तरह का हैवीनेस या ग्रीसीनेस या ऑयलीनेस फील नहीं हुआ एंड इसका भी सेम सीन है वेरी लॉन्ग वे सो इसकी भी एक ट्यूब विल लास्ट यू अराउंड सेवन टू एट मंथ्स. एंड ऑल्सो ये सनस्क्रीन काफी सही है सेंसिटिव स्किन वालों के लिए अगर आपकी स्किन ऑयली और सेंसिटिव स्किन है देन दिस सनस्क्रीन इज अ गुड डील फॉर यू लेकिन अब बात ये है कि ये सनस्क्रीन आपकी स्किन को ब्राइट या ग्लो यू नो ग्लोई बनाएगी सिर्फ टेम्पोरली अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन परमानेंटली ब्राइटन अप हो जाए परमानेंटली ग्लो आ जाए देन नेक्स्ट शॉ कि आप अपने रूटीन में वाइटामिन सी सिरम इंक्लूड करो वाइटामिन सी को आप यूज़ करो हमेशा सुबह शाम आप वाइटामिन सी के ऊपर दिन में सनस्क्रीन को लगा सकते हो एंड यू आर गुड टू गो और आपको इस सनस्क्रीन के साथ भी कोई अलग से मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है बिकॉज ये सनस्क्रीन अपने आप में काफी हाइड्रेटिंग है और आपके स्किन को काफी मॉइस्चराइजेशन ये अपने आप में अकेले ही दे देगी अब तीसरी सनस्क्रीन जो मैं रिकमेंड करूंगा वो है इस ब्रांड से काफी ही नई ब्रांड हुई काफियों के लिए और ये ब्रांड है द अर्थ रिदम और इसकी अल्ट्रा डिफेंस हाइब्रिड सनस्क्रीन एस पी एफ फिफ्टी इज द वन आई वुड रिकमेंड अब इस सनस्क्रीन के भी बेनिफिट्स और कैरेटरिस्टिक्स सेम ही है आपको नॉन स्टिकी या नॉन ऑयली फील देगी हाइड्रेटिंग है काफी लाइट वेट है एंड गोज अ वेरी लॉन्ग वे अगेन एंड ऑल्सो इस सनस्क्रीन का प्राइस पॉइंट भी काफी सही है इस पोटेंसी के हिसाब से लेकिन इस सनस्क्रीन का जो मेजर बेनिफिट है अबव द पहले दो वाली सनस्क्रीनस वो ये है कि ये सनस्क्रीन की जो सन प्रोटेक्शन है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू द सनस्क्रीन लॉकट अबाउट बिकॉज इफ़ यू आर जो कि दिन भर बाहर रहते हैं अपने काम की वजह से बाहर घूमना पड़ रहा है स्कूटी पे बाइक पे पैदल और बहुत ज्यादा धूप में आपको रहना पड़ रहा है देन ये सनस्क्रीन है आपके लिए, आपके लिए आपको बस मेक श्योर करना है कि आप इसको हर दो घंटे में रिअ अपलाई करते, करते रहो करते रहो करते रहो बाकी इसकी सन प्रोटेक्शन काफी स्ट्रांग है आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऑल्सो ये सनस्क्रीन है जेल बेस्ड फ्लोडी टेक्सर वाली अगेन काफी लाइट वेट है लगाने में काफ़ी कूलिंग सेंसेशन भी देती है अपने

गंदी धूप में इमेंस सन प्रोटेक्शन लेना सो तो ये भी एस टी है लेकिन इसका मेजर बेनिफिट है इसका प्रोटेक्शन तो अच्छी ही है लेकिन ये स्वेट प्रूफ एंड वाटर प्रूफ भी है सो इफ यू आर समन जिसको स्पोर्ट्स uh, के सीन में भी सनस्क्रीन चाहिए देन यू कैन गो फॉर दस वन बिकॉज ये आर स्वेट फ्री एंड वाटर फ्री अगेन नथिंग टू वरी अबाउट इन डार्क सेंस और ऑल्सो काफ़ी लाइट वेट है नॉन स्टिकी है ऑयल फ्री है और ये पैराबिन फ्री भी है बेसिकली पहले वाले तीनों भी पैराबिन फ्री है ये भी पैराबिन फ्री है इसका प्राइस पॉइंट थोड़ा सा हाई है आई वुड से थोड़ी सी दो सौ रुपये महंगी है चार सौ से लेकिन इसका जो बीस ग्राम का उट के, के, के कभी ना कभी ऑफर चलते रहते हैं जिसमें आपको, वो छे के आपको चार पाँच सौ ही पे करना पड़े सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप इनकी वेबसाइट से परचेस करो बिकॉज मैंने देखा स्किन केयर ब्रांड्स होती है ना अपने वेबसाइट्स पे काफी प्रमोशनल ऑफर्स देते हैं फॉर एग्जाम्पल बाय टू एट द प्राइस के ऑफर्स और इक्वल की वेबसाइट पे भी कुछ ना कुछ ऐसा चलता ही रहता है सो आई वुड रिकमेंड कि आप इसको इसकी वेबसाइट से ही लो लिंक है नीचे लेकिन वहां से इसे प्रोसेस कर सकते हो अमेजिंग सनस्क्रीन फॉर ऑयली स्किन टाइप एंड ये चार सनस्क्रीन पहले हो गई डर्माको की सेकेंड हो गई एक्जिका की फिर अर्थ ब्रम की और ये रिकल की ये चार आर सो फार बेस्ट नो मैटर कोई क्या कहे क्या ना कहे ये चार सनस्क्रीन ट्राइड एंड टेस्टेड है मेरी तरफ से एंड बींग समय खुद की स्किन ऑयली कॉम्बिनेशन और कभी ना कभी आंखने होता रहता है मुझे ये चार सनस्क्रीन आर अ होली ग्रेल अब वो बोनस

दिस इज समिंग जो की आप लगा सकते हो बिना किसी मॉइस्चुराइजर के बिना किसी मेकअप के या टचअप के किसी पार्टी वार्टी के लिए या किसी दिन के स्पेशल ओकेजन के लिए अब इसका भी लिंक नीचे आप ताकि वहां से परचेस कर सकते हो एंड अगेन uh, काफी हैं जो कि वाइट कास्ट छोड़ देती हैं ये सनस्क्रीन सनस्क्रीन बिल्कुल नहीं छोड़ती also, जो हमने चार की की बात है पहले वो चारों भी किसी भी तरह का वाइट कास्ट नहीं छोड़ती ओके सो दिस इट ये थी मेरी वीडियो ऑन द बेस्ट सनस्क्रीन फॉर ऑयल एंड कॉम्बिनेशन टाइप इन इंडिया वाइट नाउ एंड आई एम होपिंग ये वीडियो काफी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए सारे लिंक्स हैं नीचे आप वहां जाके इसको परचेस कर सकते हो इनमें से कोई भी एक सनस्क्रीन ऑल्सो मेक श्योर की यू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग कॉन्टेंट सो Let's catch up next time. Until then, stay fit, stay healthy, and thank you so much for watching this video.